अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिनों साथ कैसे हम सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे पास है कुछ अनाउंसमेंट्स करने के लिए और इस गाड़ी के बारे में स्पेसिफिक हम बात करेंगे। एंड आई एम गोना टेल यू गाइस कि अभी जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मुझे 6 साल हो गए यूट्यूब पर, और लातादाद आप कह सकते हैं फोन जाते थे, कॉल्स आती थी कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये गाड़ी लेनी है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी कभी भी मैंने अपने भी हाथ पे किसी को गाड़ी सेल नहीं की, बिकॉज जब तक आप एक चीज़ चलाते नहीं, आपको पता है बॉडी कंडीशन तो बंदा बता सकता है यार, गाड़ी में टचिंग कितनी है, गाड़ी में पेंट कितना है, लेकिन मैकेनिकली वाइज बंदा बता नहीं सकता। और मैकेनिकली कुछ एस्पेक्ट होते हैं गाड़ी के जो कि जब तक आप चलाते नहीं है, उसको रिव्यू नहीं करते, उसको थॉरली देखते नहीं, आप लोग नहीं बता सकते अगले व्यूवर को यार वो क्या कर रहा है। सो बीइंग अ रिव्यूवर मेरा जो मकसद है वो गाड़ी को सेल करने से ज्यादा का है। सिर्फ मैंने गाड़ी सेल नहीं करनी और फर्दर जो है आपको बताना भी है। नाउ इन द पास्ट टिल नाउ मैं कोई शोरूम गाड़ी का ऑन नहीं करता हूँ, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना बाय अ कार फॉर यू गाइस, आई एम गोना डू अ थॉरली इंस्पेक्शन फॉर यू। जिस तरह के मैं अपने बाइक चैनल्स पर करता आ रहा हूँ, मोटरसाइकिल लेता था, उसका रिव्यू करता था और रिलीज पर टूर्स करता था, इसी तरह हम करेंगे। सेम गोज विद द मिनी पजारो। ये सिर्फ शुरुआत है। खैबर जिस तरह की मैंने ली थी, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया। अब मिनी पजारो है, तो मिनी पजारो के बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सुबह से, कि सुबह जो फर्स्ट रूटीन होती है मिनी पजारो के चेकअप में वो क्या होती है। The very first thing that I do in the morning is open up the hood of this beautiful Mini Pajero and check the oil levels, because it's very important to check the oil level before leaving it somewhere, क्योंकि सुबह उठे, first of all एक दफ़ा अंदरूनी सारा जायज़ा लें, then remove the dipstick, clean up the oil, put it back in, फिर आप दोबारा लगा के ऑयल का लेवल चेक करें। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ऑयल का लेवल जो है वो पूरा है इसमें। तो हम इसको वापस डाल देते हैं, देन इसको मिनट में बंद कर देता हूँ। सेकंड थिंग जो हम इसमें देखते हैं वो इसका टायर प्रेशर है। चारों तरफ गाड़ी के आगे घूम के देखना होता है। एवरीथिंग लुक्स ओके, क्योंकि टायरों पर ही गाड़ी चलती है। देन आपको क्या करना है जी, बैठे अंदर आप। आज मौसम भी बड़ा सुहाना है। गाड़ी को स्टार्ट कर दिया एंड इसको गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे बिफोर वी गो। सो अबाउट दिस मिनी पजारो फॉर कर फ्यू रीजंस। एक तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में शुमार होती है, इट्स अफोर्डेबल। आई एम गोना टेल यू गाइस कि मैं इसकी प्राइस भी कोट करूँगा जिसमें मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ। एंड जो पहली चीज़ मैंने इसमें देखी थी अबाउट द कंडीशन, लेट मी गो आउटसाइड और मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर मैं आपको डिटेल में दिखा दूँ। नाउ दिस कार इज 60 or 65% जर्मन पेंट। मोस्ट ऑफ द कार्स बाय द सीरीज टॉक अबाउट 1995 से ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो इन गाड़ी में रास्ता आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी के अंदर इस तरह का कोई इशू नहीं है। ये आपको मैं साइड जिसकी दिखा रहा हूँ, ये इसकी आउटर लुक है गाड़ी की। कॉम्पैक्ट एसयूवी में इसका शुमार होता है। इट्स अ 4x4। ये इसकी फ्रंट लुक आ जाती है। अगर आप यहाँ पर देखिए इसकी बैक लुक है एंड हैज़ अ डिसेंट स्पेस एट द बैक। ट्रक इसका ओपन करते हैं तो अगर आप छोटी फैमिली है तो पीछे तो आप बच्चे बिठा सकते हैं, सीट्स में इनफ स्पेस है कि पीछे। आप ये डोर मैं करके दिखाता हूँ, फ्रंट डोर खोल कर ये लाइट्स की आपने इसको प्रेस किया, सीट आगे होगी और इजीली बैठने का तरीक़ाकार ये है। और ये मैं बड़े अच्छे से रिव्यू देता रहा हूँ, बड़े अच्छे बात महसूस हो रहा है आपने ऐसे किया, सीट पीछे आगे। नाउ 6'1" आप ये देख सकते हैं कि मेरी टांगे किस तरह की फिट हो रही है। वैसे ये कन्वीनियंट रहेगा अगर बच्चे यहाँ पर बैकवर्ड फिट हो। विल टॉक अबाउट दिस थिंग, इसको माइंड में रखिएगा, आगे चल के इसके बारे में बात करते हैं हम। क्या चीज़ है निकलने के लिए, सिंपल इजी स्टेप है। ये लाइट्स ही आपने इसको प्रेस करना है और इसको इस तरह प्रेस करके आगे कर लेना है, आगे हुई भी है बल्कि अभी, और इसको इसी तरह बैग पर फिर वापस कर लेना है। द रूफ रैक इज फॉर द लगेज, द बैक क्रैश गार्ड इज इंस्टॉल्ड। इसमें आपको जो है ना टायर्स अपने मज़े के आप लगा सकते हैं, प्रोफाइल डिपेंड करता है आप कौन सी चाहते हैं। लेकिन इस जो भी गारंटी लगी ये 205/15 का जो है प्रोफाइल लगी हुई है। नाउ इन द 1995 हम कोई क्योंकि इस मिनी पजारो में 2-3 वर्जन आते थे, XR आता था, इसमें फिर जूनियर आता था, इसमें VR-II जो कि स्पेसिफिक मॉडल है ये आता है, और इसके बाद इसमें XR जो है वेरिएंट ये आता है। ये इसकी टॉप की लुक है। लेट्स टॉक अबाउट द मिनी पाजेरो। अगर आप लोगों को ये गाड़ी लेनी है तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जो रहते हैं ज़रा मैदानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर क्योंकि ऑफ रोड वगैरह ज़्यादा होता है, चढ़ाई वगैरह होती है, वहाँ के लिए गाड़ी 110% रिकमेंडेड है। आई हैव गॉन टू सम हिल्स बिफोर। मैं कुछ वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह जिस वक्त हम दामने के ऊपर मौजूद हैं, खूबसूरत इस्लामाबाद, चढ़ाई, वेरी गुड परफॉर्मेंस। हिल्स पर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूल एवरेज। ये गाड़ी 660 सीसी टर्बो है। नाउ इफ टॉक अबाउट द फॉर्म फैक्टर, ये गाड़ी का जो और ऑटोमेटिक अगर हम कैलकुलेट करें वेट तो 920 kgs है और इंजन जो है इसमें लगा हुआ है 660 सीसी। नाउ अगर बॉडी के हिसाब से देखें तो इंजन डेफिनेटली छोटा है, 660 सीसी है, और उन्होंने टर्बो ऐड किया हुआ है। जो नॉर्मल 660 सीसी इस गाड़ी में आता है वो अराउंड आपका 56 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि जो टर्बो के साथ आती है गाड़ी, जो स्पेसिफिक ये वाली गाड़ी है, इसमें आपकी जो हॉर्स पावर बढ़ जाती है वो अप टू 64 हॉर्स पावर बन जाती है। अब फ्यूल एवरेज की मैं बात करने लगा हूँ, उसको बड़े गौर से सुनिए कि बड़ा अच्छा एक मेजर फैक्टर है बाइंग एंड सेलिंग का। ये गाड़ी जैसे कि मैंने रिकमेंड किया, ये ऑफ रोड वगैरह के लिए ठीक है, आप इसको नॉर्मल 660 से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे 4x4 एज यू गाइस कैन सी, ये आप लोग जो है मैदानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत अच्छी है। अगर शहर में चलाना चाहते हैं तो एवरेज जो है उस हिसाब से फिर आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मल अगर आपकी स्पीड आपका भारी बाउंड है और आप 120, क्योंकि इसको 120 तक तो मैं लेके गया हूँ क्योंकि आगे फिर रश वगैरह होती है, शहर में आप इतना चला नहीं सकते। 120 प्लस में अगर आप चलाते हैं तो आपको 6 किलोमीटर/लीटर की एवरेज देती है। दैट्स राइट, 660 सीसी छोटा इंजन है, टर्बो है, एंड इट्स ऑल्सो मेटेड टू अ 3 स्पीड ऑटोमेटिक। मैनुअल में 1 से 2 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है, लेकिन 3 स्पीड ऑटोमेटिक है, छोटा इंजन है, साथ टर्बो है इसका, और बॉडी बड़ी है, इट्स 4x4 एज वेल। तो आई थिंक उसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद द एवरेज, क्योंकि एक छोटी बॉडी के अंदर उन्होंने बड़ी बॉडी के अंदर 660 सीसी टर्बो इंजन लगाया हुआ है, फिर उसको साथ में 3 स्पीड रखा हुआ है। तो लो गियर रेशियो जो है ना, लो गियर तो इसका बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप अगर इसको 4 व्हील में चलाते हैं तो एवरेज जो है सेम जो है वो नोट की गई है इसकी 6 की। और अगर आप लाइट फुट पे चलाते हैं, अगर आप कहेंगे 60 आपका 80 से लेके 100 के दरमियान अगर आपका रहता है तो ये 8 किलोमीटर तक की एवरेज जो है आपको प्रोवाइड करती है। लॉन्ग पे अगर आप इसी स्पीड पर लेकर जाते हैं इसको 9, 9.5, 10 तक ये गाड़ी चली जाती है अगर आप लाइट फुट पर चलाते हैं। अगर आप हैवी फुट पर चलाएंगे तो लॉन्ग पर भी ये 8 किलोमीटर की एवरेज आपको प्रोवाइड करेगी। लेट्स टॉक अबाउट द एसी। एसी की डायल ये है और एसी इसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा कूलिंग वगैरह कर लेता है। इंस्टॉल दी LCD ओवर इंफोटेनमेंट सिस्टम विद रिवर्स कैमरा। ग्लव बॉक्स पे जो है इसकी बड़ी डिसेंट है, कीप सम टूल्स इन इट, जैसे कि आपको दिखाया था वैक्यूम क्लीनर स्टफ है, देयर इज अ ग्रैब रेल सेफ्टी के लिए आप लोग पकड़ सकते हैं। VR-II वर्जन के अंदर ये आपके पास एल्टीट्यूड आता है, एल्टीट्यूड आपको बताता है, आपसे टेम्परेचर बताता है, आपको क्लॉक बताता है, सारे 2 इवेंट्स दरमियान में, लेफ्ट पर राइट पर। तो इंटीरियर जो है वो इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, और मेरी कोशिश दिस इन आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग कि मैं जो गाड़ी खुद रिव्यू करूंगा वही आप लोगों को दूंगा, तो बस इसी मकसद के लिए मैंने अच्छी से अच्छी गाड़ी चुनी और अच्छी से अच्छी गाड़ी का जो है मैं आपको टोटली रिव्यू दे रहा हूँ। So that's pretty much it, but the last thing I'm gonna do, जो मैंने इसमें काम शाम कराए हैं, I've installed all the new plugs, इसके जो स्पार्क प्लग्स हैं वो सके हैं, जो भी गाड़ी में मैकेनिकली काम था, चाहे वो बुशेस का हो, चाहे वो रॉड्स का हो, चाहे वो चिमटे का हो, चाहे वो गोडे का हो, वो सब जो है A to Z कंप्लीट किए गए। Now let's talk about something that I told you earlier about this. This is the main culprit. अगर आप 660 सीसी मिनी पाजेरो रखते हैं या रखना चाह रहे हैं तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको बड़े गौर से सुननी पड़ेगी। दिस गोज ओवर हियर एंड दिस इज कॉल्ड द TCU। ये ट्रांसमिशन कंप्यूटर यूनिट है आपका, जो कि यहाँ पर प्लेस होता है। अब सर्दियों में क्या होता है, सर्दी में जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो इसको जरा हीटअप होने में, इसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से सर्दी में जो आपकी गाड़ी है ना वो जरा डिले पे का शिकार होती है, जरा स्लोली उठती है। अलबत्ता गर्मियों में अगर आप गाड़ी को चलाते हैं ना तो वो आपके प्रॉपरली गाड़ी जो उठती है ना। सिंस ये मित्सुबिशी के पास से आया था, पुराना ओल्ड था, तो इट हैज सम नोन डिफॉल्ट फैक्ट्स इनटू इट। इसके अंदर जो है इसमें कुछ फॉल्ट्स थे इसमें, तो इस वजह से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और इसकी लोकेशन भी मैंने चेंज कर दी। आगे हुड में भी आप लगा सकते हैं। हुड में ये होता है कि जो हीट होती है उससे जल्दी प्रोसेस करता है और गाड़ी की पिक जो है वो कभी भी आपको सर्दी में भी तंग नहीं करती है। एक तो ये TCU मैंने चेंज किया, ये प्लेस होता है इस जगह पर, अगर आप ये देख पाएँ ये निकलता है यहाँ पे, जो आपके कंपार्टमेंट्स है ये निकल के यहाँ पर ये पीछे इस तरह प्लेस होता है। तो हमने इसकी जो है वो जगह चेंज की, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो TCU है मैं बाहर शिफ्ट करा रहा हूँ ताकि जो आपको थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। मैं बाहर शिफ्ट करा दूँगा तो वो सर्दियों में ही ऑटोमेटिक गाड़ियाँ करती हैं, इनका जो TCU होता है ना जब तक गर्म ना होना तो गाड़ी जो है वो सही शिफ्टिंग नहीं करती, उसको भी बाहर करवा रहे हैं। और जगह चेंज करने के बाद ये हुआ कि अब हम सुबह जब भी हम स्टार्ट करते हैं, अभी आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट भी करूँगा चलाते हुए, तो उस पर जो है ये बड़ी स्मूथली जो है वो उठती है। आपने बाकी देखने के गेजेस आपके वर्किंग में, ट्रिप मीटर इसका वर्किंग में ईच एंड 99,626 जो है वो कंपनी डिफॉल्ट इसकी जो माइलेज है वो यहाँ पर आ रही है। 80 बना जो कि नॉर्मल मोड और पावर मोड को सपोर्ट करता है। आपके पास पावर विंडोज आती हैं इस वेरियंट के अंदर। और इंटीरियर की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नीट एंड क्लीन, जापानीज जो सारी चीज़ें होती हैं, ओरिजिनल मित्सुबिशी के ही मिरर्स यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको कैमरा फोकस करके दिखा पाएँ यहाँ पर तो आप देख पाएंगे ऑल टू A to Z। बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज इन वर्किंग कंडीशन। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ इट। आई एम सेलिंग दिस कार और मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसा प्राइस पॉइंट रखूंगा कि एक तो वो क्वालिटी को और जो काम इस गाड़ी में हुए हैं उसको जस्टिफाई करेंगे, और जो बंदा गाड़ी लेकर जाएगा मेरे से इंशाल्लाह उसको किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम नहीं करने की, फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो द डिमांड फॉर दिस कार इज 12,35,000। यस, 12,35,000 रुपए की आपको गाड़ी मिल जाएगी। इसमें नेगोशिएशन पॉसिबल है ओनली फॉर द सीरियस बायर। इफ यू आर सीरियस आप इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक पर, अली मलिक 50 पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाड़ी का आप थोड़ा आके विजिट भी कर सकते हैं, या मैं या मेरी टीम में से आपको कोई जो है वो दिखा देगा गाड़ी, उसके बाद फर्दर आप कर सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज फॉर द LCD एंड दिस इज फॉर द फ्रंट लाइट्स, जो कि एडिशनल लाइट्स लगी हुई इसकी, एक्स्ट्रा स्पेस एंड एवरीथिंग। नाउ दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द रिव्यू ऑफ दिस व्हीकल। बाकी मैं आपको इसके स्टार्ट करता हूँ उसको, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो ब्रेक दबा के आपने प्रेस करना है, सारी इसकी वर्किंग में है। लो गियर, बैक टू पार्किंग। अगर आपने इसके ऑन है 4x4 में, इसको प्रेस करके आगे करेंगे ये 4x4 में आ जाएगा, और सबसे आगे करेंगे तो ये 4 लो में आ जाएगा, जो कि सही आपने कुछ चीज़ खींचनी है उसके साथ टो करनी हो उसके लिए ठीक है। ये 4x4 में और ये 2 व्हील में आ जाता है। इस तरह न्यूट्रल में आप कर सकते हैं। L में तो इसका फर्स्ट गियर एक्टिवेट हो जाता है ना, रिलीज हैंड ब्रेक, गाड़ी जहाज बन जाती है। फिर तो इसको हम कर देते हैं बैक इनटू पार्किंग। सीट बेल्ट अगली भी मौजूद हैं, पिछली मौजूद हैं, स्पीकर्स आर कम्प्लीटली वर्किंग, द LED लाइट, द रूफ लाइट आपके पास मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके सारे काम कंप्लीट है। और आपने एक चीज़ कहनी है कि आपने सब्सक्राइब करना चैनल को, फेसबुक अली मलिक 50 पर आपने फॉलो करना है, और इस तरह की मजीद अपडेट्स आप लोग लाता रहूँगा। और आप चाहते हैं कि यू शुड बाय कार, आई थिंक यू शुड बाय कार विद कॉन्फिडेंस, जहाँ पर आजकल हमारा जो पैसा है वो डिवैल्यू हो चुका है, हम चाहते हैं कि अच्छी सी अच्छी चीज़ जो है हम अवेल कर सकें इन द सेम प्राइस तक। आई डोंट इवन थिंक कि आपको अच्छी 2018-19 मॉडल की जो है वो महरान मिल पाए। महरान क्या अभी जो प्राइस तक चल रहा है 18 से 19 मॉडल का वो ये चल रहा है। इसके अलावा बुलान देखें तो वो 18 लाख को पहुंच गई है, कल 10 की प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं। तो इसमें मिनी कॉम्पैक्ट SUV जहाँ पे आती है 4x4 आती है तो वो बड़ी हैंडी होती है, तो अच्छी ओरिजिनल कंडीशन में मिल जाए विदाउट वर्क आपको रिक्वायर्ड है तो वो। और बाकी 4x4 जो ईच एंड एवरीथिंग इसका ओके हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द कार यू गाइस शुड ओन एंड यू गाइस शुड कीप। तो मेरा मकसद भी यही है कि मैं जब गाड़ी ले रहा हूँ आप लोगों के लिए रिव्यू कर रहा हूँ तो अच्छी से अच्छी गाड़ी और आप लोगों के पास भी अच्छी से अच्छी चीज़ जाए। बाकी अगर डिटेल में किसी को पिक्चर चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फेसबुक अली मलिक 50, लोकेशन इज इस्लामाबाद। 12,35,000 रुपये डिमांड है। आई वॉन्ट आंसर टू एनी वन हु इज़ नेगेटिव। आई थिंक ये गाड़ियों का सिस्टम ये ऐसा है कि चीज़ें जो इंटरेस्टेड होता है इसने घर के लिए रखनी है वही गाड़ी लेगा। और आप लोग मार्केट सर्च करके आ सकते हैं। 6 साल में पहली बार मैं ये काम शुरू किया ताकि मैं अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकूं। इसमें मेरा जो प्रॉफिट और मार्जिन है वो मिनिमम है, मिनिमम तो मैंने तो ओपनली बता रहा हूं क्योंकि यू गाइस आर माय सब्सक्राइबर्स, यू गाइस आर माय फैमिली। बाकी इसको इसी तरह इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। इस गाड़ी के बाद और गाड़ी आएगी और कोशिश होगी जो गाड़ियों की आप रिक्वेस्ट करेंगे उनमें से कोई गाड़ी जो है मैं बाय करूंगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगा, उसकी फ्यूल एवरेज हम नोट करेंगे एंड लॉन्ग तब हम आपको दिखा देंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। ऑल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो देख लीजिए पूरी, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। विद दिस मित्सुबिशी, टेक केयर।